नमस्कार। आज हम पुशिंग बैक के नियम और ऐसी परिस्थितियां देखेंगे जब गाड़ी को पुशिंग बैक किया जाता है। सावदा स्टेशन पर श्री विनोद कुमार जी ड्यूटी पर तैनात हैं। उनके स्टेशन पर सामग्री गाड़ी खड़ी है जो सावदा निम्बोरा सेक्शन में कार्य करने हेतु जाकर वापस सावदा स्टेशन पर ही पुश बैक होने वाली है। कंट्रोलर द्वारा ब्लॉक परमिट होने के पश्चात श्री विनोद कुमार जी ने गाड़ी को ढकेलने या पुश बैक करने हेतु लोको पायलट और गार्ड को लिखित मेमो दिया, जिसमें सामग्री गाड़ी सावदा निम्बोरा सेक्शन में कार्य करेगी और कार्य पूर्ण होने के पश्चात पुनः सावदा स्टेशन पर ही पुश बैक होगी, यह लिखा गया तथा लोको पायलट और गार्ड के हस्ताक्षर इस मेमो पर लिए गए। सामग्री गाड़ी को रवाना करने हेतु निम्बोरा स्टेशन से ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर ली गई और प्रस्थान सिग्नलों को ऑफ करके गाड़ी को रवाना किया गया। सामान्य तरीके से जैसे ही गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर गई, ब्लॉक उपकरण पर 3 बीट देकर कंट्रोलर को प्रस्थान का समय बताया गया। गाड़ी जाने के पश्चात स्टेशन मास्टर इस बात का ध्यान रखेगा कि उसे स्टार्टर सिग्नल के आगे या स्टेशन सेक्शन के बाहर शंटिंग हेतु किसी गाड़ी को नहीं भेजना है या किसी प्रकार का अवरोध नहीं करना है। गाड़ी को पुशिंग बैक करते समय गार्ड सबसे आगे अगले वाहन में यात्रा करेगा, जो कि निर्बाध ब्रेक, एयर ब्रेक, वॉल्व, हैंड ब्रेक से युक्त हो। यदि पहला वाहन ऐसा नहीं है तो गार्ड नजदीक के किसी ऐसे वाहन पर यात्रा करेगा जिसमें यह व्यवस्था हो। ढकेली जाने वाली गाड़ी की गति यदि गार्ड सबसे अगले वाहन में यात्रा कर रहा है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर गार्ड सबसे अगले वाहन में यात्रा नहीं कर रहा है तो गाड़ी की गति अधिकतम 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चालक तथा गार्ड आपस में हाथ सिग्नलों का आदान प्रदान करेंगे, सतर्क रहेंगे और किसी भी अवरोध से पहले गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहेंगे। समपार फाटक को पार करते समय सड़क यातायात को चेतावनी देने हेतु इंजन की सीटी को बार बार लोको पायलट द्वारा बजाया जाएगा। दोहरी लाइन पर वापस आते समय चालक दूसरी लाइन से संबंधित सबसे बाहरी सिग्नल के सामने गाड़ी को रोकेगा और लगातार लंबी सीटी बजाएगा। गाड़ी को पॉइंट्समैन द्वारा पायलट कराते हुए स्टेशन पर लाया जाएगा। गाड़ी के वापस आने पर गार्ड गाड़ी के पूर्ण आगमन हेतु ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा और पुशिंग बैक करने का मेमो स्टेशन मास्टर को वापस लौटा देगा। गाड़ी के पूर्ण आगमन पर स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण पर इससे पहले का संकेत रद्द समझो अर्थात 5 घंटे संकेत देगा और TSR में गाड़ी को पीछे ढकेला गया रिमार्क लिखेगा। यदि सामग्री गाड़ी पिछले ब्लॉक सेक्शन में अर्थात सावदा दुसखेड़ा सेक्शन में कार्य करती है तो स्टेशन मास्टर लाइन को ब्लॉक बैक करेगा तथा चालक को T806 शंटिंग आदेश देकर ब्लॉक सेक्शन में जाने की अनुमति देगा। आपात स्थिति को छोड़कर गिट्टी गाड़ियां केवल दिन के प्रकाश में ही वापस ढकेली जाएगी। यदि आवश्यक है तो रात के समय भी ढकेली जा सकती है, लेकिन रात में गाड़ी की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। अब हम ऐसी परिस्थितियां देखेंगे जहां गाड़ी को इंजन द्वारा ढकेला जाता है। सामान्यतः किसी गाड़ी को इंजन द्वारा चालू लाइन पर ढकेला नहीं जाता, उसे खींचकर ही चलाया जाता है। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती है जब गाड़ी को ढकेला जाता है, जैसे स्टेशन सीमा के बाहर किसी यात्री के ट्रेन से बाहर गिर जाने या किसी व्यक्ति के गाड़ी से टकरा जाने पर
गाड़ी को दुर्घटना स्थल तक वापस ढकेला जाता है। लेकिन जैसे घाट सेक्शन, स्वचलित सेक्शन तथा अन्य स्टेशन जहां पर ऐसा करना विशेष अनुदेशों के अनुसार मना किया है, ऐसे सेक्शन पर गाड़ी को ढकेला नहीं जाएगा। ब्लॉक वर्किंग मैनुअल के अनुसार जब दुर्घटना या ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी का इंजन असमर्थ हो तब गाड़ी का उस स्टेशन पर वापस ढकेल कर लाना आवश्यक हो जहां से वह निकली थी। जब किसी गाड़ी को चलने में सहायता देनी आवश्यक हो, जैसे मालगाड़ी में बैकिंग इंजन लगाया जाता है, जब कोई लाइन दुर्घटना या अन्य किसी कारणवश अवरुद्ध हो और गाड़ियां अवरोध स्थल तक दोनों ओर से चलाई जा रही हो, इंजीनियरिंग कार्य अथवा मटेरियल ट्रेन के संबंध में ऐसा करना आवश्यक हो, बशर्ते गाड़ी का अगला डिब्बा ब्रेक वैन हो और उसमें गार्ड मौजूद हो। जब किसी निरीक्षण स्पेशल गाड़ी में यात्रा करते समय जीएम, सीओएम या सीई यदि ऐसा आदेश देते हैं तब गाड़ी को ढकेला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।